भाई हम लोग निकले थे खाना खाने के लिए, लेकिन इस वक्त शदीद बारिश शुरू हो गई है। अल फजर भी हम पहुंच गए हैं, ये भी एक चॉइस है वैसे। ये अंदर ही ले रही है गाड़ी, बारिश हो गई थी तो इधर ऊपर आ गए हैं हम लोग। ये जनाब स्टेक आ गया है, ये आ गया जनाब चाइनीज राइस, इसमें चिली जो है ना वो खाने का मज़ा है इसके अंदर। अच्छा हमने लिया है एक ये पाकिस्तान का झंडा कश्मीर के साथ, दो ये फ्लैग लिए हैं, एक ये बैंड लिया है इब्राहिम के लिए, बाकी ये झंडिया लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज से ठीक दो दिन बाद जो है 14 अगस्त है, और 14 अगस्त जो है पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। हम पाकिस्तानी जो है बहुत ही जोश खरोश से इसको मनाते हैं, ख़ासकर 13 अगस्त की रात को जो है ना ठीक ठाक धमाल होता है। आज का मेरा प्लान ये है कि 14 अगस्त की मुनासबत से जो है कुछ चीज़ें खरीद जाएँ घर के लिए, कुछ झंडियाँ शंडियाँ हैं बच्चों के लिए, बैजेस वगैरह। तो अभी सुबह का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ऑफिस से वापस आके मिलते हैं, ठीक है? और यूँ गया यूँ आया। अच्छा जी, ऑफिस से मैं आ गया था। ऑफिस से आने के बाद जो है प्रोग्राम बन गया ताहा भाई के साथ व्लॉग का। तो भाई ये जुमे का दिन हमें मिलता है, जुमे की नमाज़ के बाद हम कर लेते हैं, वो बन भाई हूँ। तो अभी जा रहे हैं फूड व्लॉग के लिए, फिर वापस आके मिलते हैं आपसे। तो भाई रशीद कोरमा चलते हैं, माशाल्लाह ये तो कबाब और पराठों का भी सीन चल रहा है यहाँ पर ज़बरदस्त। ये आ गए पराठे, और ये यहाँ पर चल रहा है जी बिरयानी का सीन। A few minutes later. तो जनाब व्लॉग बनाकर मैं वापस आ गया था, ताहा भाई के साथ फूड व्लॉग बनाया है। अच्छा जिसने कल का व्लॉग देखा था उसमें आपने देखा होगा कि मैं गोलगप्पे लेकर आया था घर पे। गोलगप्पे जो है वो नाकाफी थे, तो जिस पर जो है वो जुर्माना हुआ है। अभी बेगम साहिबा को लेके जा रहा हूँ मैं, खाने के लिए हम जा रहे हैं। अभी तो मैं आया सनजई से मैं ले रहा हूँ पूरे पराठे लेने, वो घर पर देने। सलाम वालेकुम। वाले पराठे दो पराठे ये ले, दो पराठे चलो वर्कम। अच्छा जी ये ले लिए हैं दो अदद पराठे, क्योंकि घर पे बनी हुई तंदूरी चिकन और इब्राहिम मनाल जो है ना मज़े करेंगे घर पे, और हम मज़े करेंगे बाहर। मैं पहुंच गया हूँ अभी अपनी प्यारी सी कल्टस के पास। ये लीजिए, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है जनाब, और इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं, अभी इनको छोड़ना है घर पे। A few moments later. भाई हम लोग निकले थे खाना खाने के लिए, लेकिन इस वक्त शदीद बारिश शुरू हो गई है, और हम ये केडी चौरंगी पर ही हैं इस वक्त। अब ये कि ज़ाहिर है कराची की सड़कों का हाल जो है ना बहुत बुरा हो जाता है, तो अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। लेकिन ये कि एक चॉइस ये है कि ये है अल फजर, यहाँ से नज़र आ जाएगा आपको। अल फजर भी हम पहुँच गए हैं, ये भी एक चॉइस है वैसे। जगह है बैठने की आएगी, ये अंदर ही ले रही है गाड़ी। बारिश हो गई थी तो इधर ऊपर आ गए हैं हम लोग, फैमिली हॉल है। थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। अच्छा जी ऊपर आ गए हैं हम अल फजर रेस्टोरेंट में, ये इनका फर्स्ट फ्लोर है। टॉप फ्लोर चूँकि बारिश की वजह से जो है ना पूरा भीग गया है, तो उन्होंने बंद कर दिया, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है या फिर ग्राउंड फ्लोर बैठा है। तो अभी हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, मेन्यू हमारे पास आ गया है, ज़रा चेक करते हैं मेन्यू। ये मेन्यू कार्ड है, ये क्या अभी रिवायती और कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ भाई, ये तो बीफ बारबेक्यू चिकन बारबेक्यू। शराब देखिए जी आप,
आप देखें सर जी, हमने मंगवाया है एक ये चिकन सुप्रीम स्टीक मंगवाई है, और पिछले दिनों हमने बीफ वगैरह खा लिया था तो वो नहीं मंगवाया। अब हम आ गए हैं डायरेक्ट चाइनीज़ पे। चाइनीज़ पे हमने मंगवाया है चिकन चिली ड्राई विद राइस। सर इसके प्राइस है 695, और चिकन सुप्रीम स्टीक जो है ये है 1195 रुपये का। तो 2% के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी है। देखते हैं टेस्ट कैसा है, फिर आपको बताते हैं। अल फजर का एम्बियंस है, आप देखें कितना अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया। ये जनाब स्टेक आ गया है, और ये आ गया जनाब चाइनीज राइस, और ये कहते हैं चिकन चिली ड्राई। तो फिर शुरू करते हैं। ये लीजिए प्लेट। पतंगे आ रहे हैं थोड़ा देख के, हाँ पतंगे आ रहे हैं थोड़ा देख कर खाएं। कोल्ड ड्रिंक का बोलो ना। ये लीजिए नाइफ, ये फोक। आज रात जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश की पेशी हुई थी, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आप शोर सुन रहा होंगे बारिश का, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं बारिश की सूरत हाल, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सब भाई बता रहे हैं सुबह तक होगी बारिश। यहाँ पर जो है कोई बर्थडे पार्टी है शायद, जिसकी वजह से ना कि पूरी रिजर्वेशन थी, बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा जी, मैं खाऊंगा पहले चाइनीज़ राइस। राइस जो है वो काफ़ी ऐसा लग रहा है जो बारीक बारीक से राइस है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, हैं वैसे खिले खिले। और साथ में इसको वापस मैं कवर कर देता हूँ। क्या आ रही है स्कूल में छोटा वाला ले लेता। तो काफ़ी स्मोकी है, और अच्छा इसमें चिली जो है ना वो खाने का मज़ा है इसके अंदर, और ड्राई। बेगम साहबा ने भी चावलों पे हमला कर दिया इस पर। क्या वो स्टेक पसंद नहीं आया आपको? जिंगर टाइप, जिंगर टाइप की है। अच्छा, ये पतंगे आ रहे हैं, थोड़ा ख्याल रखें। ये ले लें चिकन। अच्छा जी, मैं क्या ढूंढ रहा था, हाँ सर जी, पहला निवाला मैं बनाता हूँ। मैं शुरू अल्लाह के नाम से। अच्छा जाएगा, क्यों क्या ख्याल है, जाएगा अच्छा? जन के जो स्टेक है वो अलग टाइप की है,
उस तरह की सिजलिंग नहीं है, बल्कि ये कुछ जिंगर टाइप का इन्होंने डाला हुआ है और उस पर सॉस डाल दी है। इसको उन्होंने नाम दे दिया है स्टेक का। तो ये ट्राई करते हैं, ये लग रही है आपको स्टेक? ये स्टेक ट्राई करते हैं। बस ऐसा जायका जैसे जिंगर खा रहे हो, उसी टाइप का जायका। वो स्टेक वाली बात नहीं है इसके अंदर। बच्चे शोर मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा, फ्लोर पे बच्चे ज़्यादा हैं क्योंकि बर्थडे पार्टी चल रही है। बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा आपको। अच्छा जी, अल्फजर में खाना खा लिया है, लेकिन भाई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हुआ हूँ मैं। खाना बहुत मतलब अच्छा नहीं था, और वैसे बहुत ही नॉर्मल जायका था, जो नॉर्मल रेस्टोरेंट होते हैं उसी तरह का जायका था। लेकिन जो स्टीक के नाम पे इन्होंने जो दिया है ना, वो बस जिंगर की स्ट्रिप्स टाइप की इन्होंने रख दी है और वो दे दी इन्होंने। चले कि चलते हैं घर की तरफ। A few moments later. भाई इधर आ गए हैं 14 अगस्त के हवाले से। कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए, झंडे वंडे लेने, बैजेस लेने, ज़रा देखते हैं क्या सूरत हाल है। बारिश में ही बैठे हैं। वो कश्मीर वाला? हाँ, कश्मीर और पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान का भी है। प्लास्टिक की आ गई है भाई, बारिश में भी ये कारगर है। अभी चूँकि बारिश हो रही है तो आप लोग जो है वो ये प्लास्टिक की झंडे लगा सकते हैं। ये कादरी मार्केट पे बैठे हैं, ए ब्लॉक में 30 रुपए की मिल रही है, ठीक है ना। 10 हैं इसके अंदर झंडिया। अच्छा, दो ये भी दे देगा। ये एक बनाल की भी देगा ये वाला। अच्छा, हमने लिया है एक ये पाकिस्तान का झंडा कश्मीर के साथ, दो ये फ्लैग लिए हैं, एक ये बैंड लिया है इब्राहिम के लिए, बाकी ये झंडिया लिए हैं। भाई ये इतना सा सामान है, इसके 450 रुपये होगा जी। ये लीजिए 450 रुपये। शीशे पे क्या लगाने का, शीशा बंद कर दे। अच्छा जी, ये ले लिया है सामान। अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता लेने के लिए सुबह।